महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के चलते वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। एक ओर एनडीए सरकार में एक साल के अंदर ही अंतर विरोध दिखाई देने लगा है। सीएम एकनाथ शिंदे के करीबियों का दावा है कि बीजेपी ने सीएम को अकेला छोड़ दिया है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल दावा कर रहे हैं कि जल्द ही महाराष्ट्र में सीएम बदला जाएगा। बीजेपी नेताओं के बयान भी कुछ ऐसे ही इशारे कर रहे हैं। इसी के चलते एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि रोटी की तरह सरकार को भी पलटते रहना चाहिए, नहीं तो वो काम की नहीं रहती। मुंबई के युवा मंथन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे कहा है कि रोटी सही समय पर पलट देनी चाहिए, अगर सही समय पर वो पलटी नहीं गई तो वो कड़वी हो जाती है। अब सही समय आ गया है रोटी पलटने का, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आग्रह करूंगा कि वो इस पर काम करें। पवार ने रोटी की तरह सरकार पलटने की बात कही तो शिवसेना यूपीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी सरकार गिराई गई, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। जूते पोंछने वाले लोग सरकार में बैठे हैं। बारसू रिफाइनरी को लेकर मैंने पत्र लिखा था, लेकिन इतने दिनों तक वहाँ प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों लोगों से बात करनी थी? बुलेट ट्रेन, नाडार जैसे प्रोजेक्ट इसलिए हमने रोके क्योंकि लोग और महाराष्ट्र के हित में ये नहीं थे। आगे भी हम रोकेंगे। महाराष्ट्र में विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी पर हमलावर है और जल्द ही महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा बदलाव होगा, इसका लगातार दावा भी किया जा रहा है।